आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली के उपलक्ष्य में ही मैं नमकीन बना रही हूँ। जो नमकीन मैंने ये दाल को, जो मसूर की दाल होती है, उसको सोख करके रखा है 2 घंटे के लिए, और इसको मैंने एक कपड़े पे फैला दिया है। इधर मैंने ये चने की दाल है, इसको भी सोख करके रखा है और इसको भी फैला दिया है। इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे कि हाथ में हमारे पानी ना आए बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल एकदम सूखी सूखी सी हो जाए। उसके बाद मैं अगले प्रोसेसर पर जाती हूँ। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और उसी में मैं ये चलनी रख रही हूँ, और चलनी के अंदर मैं ये दाल डाल दूंगी जो हम नमकीन बना रहे हैं, और इसको हम भूनने देंगे इस तरह से। चला चला के हम इसको सेकेंगे। ये बहुत ही टेस्टी नमकीन बनने वाला है, और होममेड है तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि हम लोग पूरे एफर्ट्स अपने लगाते हैं अच्छा बनाने के लिए। ये हमारा नमकीन बन चुका है, और इसकी पहचान वैसे तो हम हाथ से करते हैं, देख के। इस तरह से देखिए आप, बिल्कुल एकदम बहुत ही खस्ता बना है ये नमकीन हमारा। और एक पहचान ये भी होती है कि जब हमारी चलनी में से इस तरह की साउंड आने लगे तो लगता है कि हमारा नमकीन तैयार हो गया है, नहीं तो हमें जब कच्चा होता है तो इस तरह की साउंड नहीं आती है। अब इसी तरह से मैं ये चने की दाल वाला, जो चने की दाल है, उसका भी नमकीन बनाऊंगी। और इसमें एक अभी इसी नमकीन को बनाकर इसको ऐड नहीं करना है, इसके अंदर मैं जो जो मिक्स करूंगी वो आप देखते रहिए, बहुत अच्छा नमकीन बनने वाला है ये। मेरी वीडियो से एंड तक जुड़े रहिए। इसी तरह से हमारा ये दूसरा चने की दाल वाला नमकीन बनकर तैयार है। ये देखिए, ये इस तरह से, ये भी बहुत अच्छी तरह से हमारा टूट रहा है और बहुत ही खस्ता बना है। अब नमकीन को एक अच्छा सा और लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया था। ये बेसन जो हमारा नॉर्मल बेसन होता है, वही वाला बेसन है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा इसके अंदर मिर्ची, काली मिर्च, ये सब डाल के इसको इस तरह से मार दिया है, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, इस तरह से मारा है। अब इसको हम इधर जिसमें मैंने नमकीन बनाया है उसी में मैं इस तरह से एक ये करछी लेके और इसमें डालूंगी। इस तरह से ये नमकीन बन जाएगा, जो अक्सर आप खाते हैं नमकीन में, एक सेव होते हैं नमकीन में पड़े होते हैं, उसी तरह से बन जाएंगे ये। इनको हम सिकने देंगे। जब ये सिक जाएंगे तो अपने आप ही ऊपर आते जाएंगे। इसको मैं नमकीन में मिक्स करूंगी। ये हमारे इस तरह से सेव बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल एक एक टूट रहा है। और ये नमकीन में मैं डाल दूंगी इनको। अब मैं बना रही हूँ एक चटपटा सा नमकीन। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे चने की दाल डाली है, जो बड़ी ही क्रिस्पी और बहुत एकदम अच्छी बनी है। इसी में मैं डालूंगी ये जो मैंने मलका काली वाली बनाई थी, वो भी मिक्स करूंगी। इसी में मैं मिक्स करूंगी ये सेव। इनको थोड़ा सा मैं इस तरह से तोड़ दूंगी, और ये नमकीन बन गया है। इसमें हमें अब डालना है थोड़े थोड़े स्पाइसेस। सबसे पहले मैं डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट मैंने जब दालों को सोक करने के रखा था तब भी उसमें डाला था थोड़ा सा, तो इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे। और अब मैं डालूंगी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, अब मैं डालूंगी आधा चम्मच चाट मसाला, एक अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए।
अगर आपके पास में टाटरी है तो आप टाटरी भी पीस के इसमें डाल सकते हैं, एक अच्छा सा और टेस्ट आता है। मेरा टाटरी पसंद नहीं है तो मैं इसमें अमचूर डाला है और चाट मसाला डाला है। अब मैं डालूंगी एंड में लाल मिर्ची। और अब आप देखिए कितना अच्छा सा नमकीन बनकर तैयार है चटपटा। घर में ही होली में नमकीन बनाई है इस तरह से। और इसमें मैं डालूंगी बाजार के भुने हुए ये पीनट, सॉल्टेड पीनट। इन्हें आप घर में भी बना सकते हैं, घर में भी बना के डाल सकते हैं, मगर मैं इस टाइम बाजार के मार्केट वाले ही डाल रही हूँ। बहुत चटपटा और टेस्टी सा नमकीन बनकर तैयार है। आप बनाइए घर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं होली डिश के साथ में।